तो कुछ देर पहले मैंने देखा कि BGMI प्ले स्टोर के अंदर है ही नहीं, और उसके कुछ देर बाद एप्पल के ऐप स्टोर से भी ये हट गया। तो चलो देखते हैं कि BGMI क्या सचमुच बैन हो चुका है, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है अगर बैन हुआ है तो, और क्या BGMI को बैन होना चाहिए इंडिया में। चलो वन बाय वन सब कुछ के बारे में बात करते हैं। तो कुछ दिन पहले ऐसा न्यूज आ रहा था कि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर BGMI को लेकर कुछ बातें चल रहा है। अब वो बैन से रिलेटेड है कि नहीं ऐसा कुछ न्यूज नहीं है, बट हाँ BGMI को लेकर बातें हो रहा था इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। पर आज प्ले स्टोर से BGMI हट गया, तो इसीलिए बहुत से लोग सोच रहे हैं कि इंडिया में BGMI बैन हो चुका है। वैसे अभी तक कोई कंफर्मेशन तो नहीं है कि बैन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। कभी कभी एप्लीकेशन मेंटेनेंस में जाता है, डेवलपर्स लोग उसको मेंटेनेंस में डालते हैं, तो ऐसा होता है कि प्ले स्टोर में वो एप्लीकेशन डाउनलोड के लिए अवेलेबल नहीं होता, बट प्ले स्टोर में शो करता है वो। वैसे BGMI के साथ नहीं हुआ, BGMI प्ले स्टोर में शो ही नहीं कर रहा, तो इसीलिए ऐसा हो भी सकता है कि BGMI इंडिया के अंदर बैन हुआ है। अब मैं अगर रीजन की बात करूँ तो इसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहला, रिसेंटली BGMI को लेकर बहुत ज्यादा टेरिफिक इंसिडेंट हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश में एक 15 साल के लड़के ने सुइसाइड कर लिया जब वो BGMI गेम प्ले पर हार गया। उसके अलावा लखनऊ में एक 16 साल के बच्चे ने अपने माँ को ही मार दिया जब उसके माँ ने BGMI खेलने को मना किया था उसको। अब ये दो ही इंसिडेंट नहीं, बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है ऐसा ही टेरिफिक इंसिडेंट BGMI को लेकर। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि यही सब रीजन है पर्टिकुलरली BGMI बैन अगर होता है तो, बट अगर होता है BGMI बैन तो ये सब भी हो सकता है कोई रीजन हो। इन सब के अलावा एक और रीजन है, नॉर्मली BGMI अगर आपने खेला होगा तो आपको पता होगा कि क्लासिक मैच पर जब पैराशूट से आप जंप करते हो तो पैरों से कुछ धुआं निकलता है अलग अलग रंग का, और रिसेंट अपडेट के बाद BGMI वालों ने उस धुएं के रंग को चेंज करके इंडियन फ्लैग के रंग पर कर दिया था और वो पैरों से निकल रहा था। अब ये भी एक रीजन हो सकता है अगर BGMI बैन होता है तो। अभी तक तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि BGMI इंडिया में बैन हुआ है कि नहीं, बट अगर होता है तो आई थिंक इंडिया में BGMI को एकदम डायरेक्टली बैन नहीं करना चाहिए, एक कोई वार्निंग कोई नोटिस तो देना चाहिए था अगर कुछ BGMI गलत किया है। हाँ गलत किया है, बहुत से लोग सोच रहे हैं अगर BGMI कुछ गलत किया है तो वहाँ पर एक नोटिस देना चाहिए, उसके बाद अगर वो लोग एक्शन नहीं लेते तो बैन करना चाहिए था अगर हुआ है तो। अभी तक तो कन्फर्मेशन ही नहीं आया कि BGMI बैन हुआ है कि नहीं। और उसके अलावा जो पहला रीज़न मैंने बताया कुछ टेरिफिक इंसिडेंट्स, अब देखो हर एक चीज़ का कोई ना कोई नेगेटिव साइड होता ही है, कुछ भी देखो उसका कोई एक नेगेटिव साइड रहेगा ही ज़्यादातर चीज़ का। अब उस नेगेटिव साइड को पकड़ के हर एक चीज़ को अगर बैन करने लग जाओगे ना तो दुनिया में लगभग सभी चीज़ बैन हो जाएगा। बट एक बात तो है कि ये BGMI गेम टीनेजर्स के ऊपर बहुत ही बुरा इफेक्ट कर रहा है, मतलब इतना बुरा कि जान का रिस्क भी आ रहा है इसमें। तो मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि इसको बैन करना चाहिए कि नहीं, बट आप लोग बताओ नीचे कमेंट सेक्शन पर अपना ओपिनियन बता सकते हो कि BGMI गेम इंडिया में बैन हुआ है कि नहीं, ये पहले बताओ, उसके बाद ये होना चाहिए कि नहीं ये भी बताना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, ये एक छोटा सा अपडेट वीडियो था, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।